हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कैश वैन ने पाली रोड क्रॉस किया है। अब यूनियन पार्क की तरफ जा रही है। दस मिनट में खार डांडा पहुंच जाएगी। ये क्या हुआ? लगता है टायर पंचर हो गया। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मनोहर, अरे क्या हुआ? होशियार रहना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है भाई। ठीक है। ए भाई, अंदर ही बैठा, मैं बाहर देख के आता हूं। ए कौन है उधर? क्या हुआ? ए कौन है? कौन है? कौन है? स्मोक बॉम्ब। ये गोली टायर पे मार के टायर पंचर कर दिया। अभिजीत, कोई इस कार के नजदीक रह के ये काम तो नहीं कर सकता। जरूर कोई शार्प शूटर है जो आसपास किसी बिल्डिंग में बैठकर या किसी ऊंचाई वाली जगह से इस काम को अंजाम दिया उसने।
एंगल के हिसाब से गोली यहाँ लगी होगी। इसका मतलब वो बिल्डिंग, वहां चल के देखते हैं। वैन एटीएम में पैसा डालने जा रही थी, 7 करोड़ रुपए थे उसमें। 7 करोड़ रुपए? सर वैन हर रोज अपना रास्ता बदलती है, फिर भी चोरों को पता था कि वैन आज यहाँ इस रास्ते से गुजरने वाली है। मतलब वो लोग वैन को पहले से ही ट्रैक कर रहे थे। बड़े चालाक है ये लोग, बहुत बड़ी प्लानिंग की, स्मोक बॉम्ब इस्तेमाल किया, इसके धुएं के आड़ में पैसे लूट लिए। एक काम करो, तुम लोग आसपास का पूरा एरिया छानो और अच्छी तरह से देखो, देखो कोई सुराग मिलता है क्या। जाओ। उस वैन पे ठीक से निशाना लगाने के लिए ऊंचाई पे होना जरूरी है। गोली यहीं से चली है, गोली यहां से चली है तो उसका शेल जरूर होगा यहां पे। दया, ये रही गोली, यहीं से लगाया गया है निशाना। तूफान की तरह आए और धुएं में पैसा उड़ाकर ले गए। परफेक्ट प्लानिंग की थी चोरी की। सर ऐसी फुल प्रूफ प्लानिंग तो कोई प्रोफेशनली कर सकता है जो हर चीजों के लिए फिजिकली और मेंटली ट्रेंड हो। लेकिन सर इन्हें ढूंढने की शुरुआत कहां से करेंगे? ये तो बड़े चाकरी चोर लग रहे हैं। हाँ सर, ये केस तो बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है। हमने आसपास देख लिया, कोई सबूत या सुराग नहीं मिला जो हमें चोरों तक पहुंचा सके। वो गार्ड्स, कैश वैन में 3 लोग थे, ड्राइवर तो मर चुका है, लेकिन वो दोनों गार्ड्स जिन्हें गोली लगी है वो हॉस्पिटल में है, अभी बेहोश है। इंतजार करना पड़ेगा अभिजीत उन दोनों गार्ड्स के होश में आने का। ये गार्ड ही हमें इस केस का धुआं साफ करके दिखाएंगे। साहब सब कुछ बहुत अचानक हुआ, अचानक हमारी वैन का टायर पंचर हो गया, फिर इससे पहले कि कुछ समझ में आता वैन के चारों तरफ धुआं छा गया और अंधेरा हो गया। जब वो स्मोक बम किस तरफ से आया कुछ देखा आपने? स्मोक बम? हाँ, वो जो सारा धुआं फैला था वो स्मोक बम की वजह से था। तो किसने फेंका, कोई कोई आदमी दिखा? नहीं साहब, मैं वैन के अंदर था और धुएं की वजह से वैन के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। माना कि धुएं की वजह से तुमने कुछ देखा नहीं, पर कुछ सुना तो होगा, कुछ महसूस तो किया होगा आसपास? हाँ साहब, कुछ कुछ आहट सी हुई थी, 2-3 गोली चलने की आवाज आई और फिर किसी ने वैन का दरवाजा खोल दिया। फिर क्या हुआ? फिर जैसे ही मैं वैन से बाहर आया मुझे धुएं की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ आहट हुई तो मैंने जैसे ही उस पर निशाना लगाया किसी ने मुझ पर हमला कर दिया, और जैसे ही वो मुझ पर दोबारा हमला करता मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ कुछ अजीब था, एकदम कड़क पत्थर के जैसा। मैंने उसका चेहरा भी छूने की कोशिश की पर उसने कुछ हेलमेट जैसा पहना हुआ था। और सर वो लोग मुझे गोली मारकर सारा पैसा लेकर चले गए, और हाँ सर मैंने एक गाड़ी की आवाज भी सुनी थी। साहब मुझे अफसोस है कि मैं उन चोरों को पकड़ नहीं पाया, मैं उन्हें पकड़ लेता साहब पर धुएं की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दिया तो मैं कमजोर पड़ गया। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। अपना ख्याल रखो, हम लोग फिर मिलने आएंगे। जी साहब। बड़ा ही सेफ्टी कॉन्शियस चोर है सर, हाथ तो कड़क ही उसके, हेलमेट पहन के चोरी करता। सर यानी अगर धुआं नहीं भी होता फिर भी उसका चेहरा ठीक से नहीं दिखता। एक मिनट, ये सुहास, चेतन और मनोहर, इन तीनों गार्ड्स को धुएं की वजह से कुछ नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन उन चोरों को सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ा। हाँ सर, वैन, ड्राइवर, गार्ड और पैसे
सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। कैसे सर? टेक्निक। कैसी टेक्निक? वही टेक्निक जो आर्मी और ये स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस वाले यूज करते हैं, जिससे एकदम अंधेरे में भी साफ साफ दिखाई देता है। नाइट विजन। सर, जो 7 करोड़ की चोरी हुई थी उसका ग्राफिकल डेमो तैयार किया। सर एग्जैक्टली ऐसा ही नहीं, बट लगभग ऐसा ही कुछ हुआ होगा जब चोरी हुई थी। मतलब चोरों ने थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन का इस्तेमाल किया होगा, हैं? पॉसिबल है सर। हमारे आसपास जिस भी चीज में ये गर्मी या हीट होती है तो थर्मल इमेजिंग से उसका हीट मैप दिखता है सर। और यहाँ ये सिक्योरिटी गार्ड्स धुएं में कुछ देख नहीं पा रहे थे, और हम अंधेरे में नाइट विजन की वजह से आराम से देख सकते हैं सबको, जैसे ये चोर देख रहे थे। सर ये चोर तो बड़े हाईटेक और चालाक लगते हैं, इन्हें ढूंढना तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। Come on, पूर्वी, जब क्रिमिनल अंधेरे में तीन तीन बुलेट चला सकते हैं तो तुम भी तीर तो चला ही सकती हो। बस ये वो बुलेट्स की बैलिस्टिक रिपोर्ट। अनइवन राइफलिंग्स। बिल्कुल बॉस, देसी कट्टा। हाँ, हैंडमेड। सर मतलब जिस गन से गोलियां चली थी वो इलीगल थी, विदाउट लाइसेंस। लेकिन सर किसने बेचे, किसने खरीदी, ये कैसे पता चलेगा? आसान है पूरी, पता लगाना बड़ा आसान है, लेकिन इतना सा सबूत काफी नहीं। कोई बड़ा सुराग हाथ लगना चाहिए, कोई ऐसा सुराग जिससे हम इन चोरों तक पहुंच सके। सर मनोहर कह रहा था उसने गाड़ी की आवाज सुनी थी, ये चोर जरूर उसी गाड़ी से भागे होंगे। अब 7 करोड़ हाथ में लेकर तो भागेंगे नहीं, गाड़ी तो होगी होगी सर। ऑब्वियसली अपने साथ ये गाड़ी लेके घूमेंगे तो नहीं सर, आगे जाके कहीं छोड़ दिया होगा इन लोगों ने। दया, सारे लोकल पुलिस स्टेशन से पता लगाओ क्या कल रात से अब तक किसी ने लावार इस गाड़ी का रिपोर्ट किया है क्या? गाड़ी के ओनर ने कल दोपहर 1:30 बजे गाड़ी चोरी होने की FIR लिखवाई थी, और आज शाम को 5 बजे इसके यहाँ मिलने की रिपोर्ट भी मिल गई। अजीब बात है ना सर? अजीब नहीं है, परफेक्ट प्लानिंग है। ये ओनर कहाँ है इसका? सर वो तो गाड़ी लेने के लिए आ रहा था, उसको मैंने कहा कि आपकी परमिशन मिल जाए उसके बाद। अच्छा किया, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। सर सर ये पाउडर मिला है गाड़ी से, स्मोक पाउडर जैसा। डेफिनेटली वो चोर इसी गाड़ी में भागे हैं क्राइम सीन से। और कुछ? कुछ नहीं सर, पूरी कार में एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला है, सब साफ है सर। ऑब्वियसली हैंड ग्लव्स पहने होंगे उन लोगों ने। शक्ल और आवाज का तो पता नहीं था, अब फिंगरप्रिंट भी नहीं है। ये चोर है या कोई भूत? अंधेरे में आते हैं, चोरी करते हैं और भाग जाते हैं। अगर ये चोर नाइट विजन का यूज करके चोरी कर सकते हैं तो हम भी नाइट विजन का यूज करके इनको पकड़ सकते हैं। लेकिन सर ये सारा सामान मिलेगा कहां से? जहां से उनको मिला, पिछले 48 घंटे में जिसने भी ऐसा कुछ बेचा हो उनकी एक लिस्ट बनाओ। रेडी? ये उन स्टोर्स की लिस्ट है जो लोग थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन का सामान बेचते हैं। अब ये सारा सामान हाईटेक है इसलिए खुद बनाना मुश्किल है, जरूर खरीदा होगा इन्हीं दुकानों में से। जरा सबको फोन करके देखो। सर आप जी खरीदा नहीं है, चोरी की गई है। क्या? हाँ सर, वो लोकल पुलिस स्टेशन में जितने भी FIR चोरी के दर्ज होते हैं हमें अपडेट देते रहते हैं। पिछले 3 हफ्ते पहले ये ऐसी चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी सर, ये मैंने उसका रिकॉर्ड निकाला है सर। 5 हाईटेक गुड्स की चोरी हुई है, थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन। कहां पर हुई थी चोरी? मैजिक वर्क्स खार। मैजिक वर्क्स खार, जैकी ये जो ऐप डिजाइन किया है तुमने मुझे पसंद नहीं आया, रीवर्क इट। और तुम लोग ये फीजिबल पावर एफिशिएंट जो क्लेम कर रहे हो पहले प्रूव करो, उसके बाद बात करना, तब तक अप्रूव नहीं करूंगा मैं। हार्डवर्क सारा हम किने और क्रेडिट मिले इसको। एक्सक्यूज मी, जी आप लोग CID।
तुम में से मलिक कौन है? प्रिया, आपकी मुझसे बात हुई थी। सो इट सीम्स के सीआईडी मेरे डिजाइन किए हुए इक्विपमेंट में इंटरेस्टेड है। कूल। काम की बात करें। उसने कुछ हेलमेट जैसा पहना हुआ था। सर मैंने एक टेक्निकली एडवांस मैंने और मेरी टीम ने एक टेक्निकली एडवांस नाइट विजन हेडगियर बनाया था। पोटेंशियल बायर्स इंडियन आर्मी, फायर ब्रिगेड, सिक्योरिटी एजेंसीज। इस हेलमेट में एक इंफ्रारेड वाइजर फिटेड है जिसकी हेल्प से आप डार्कनेस, स्मोक, फॉग किसी भी कंडीशन में साफ साफ देख सकते हो एंड यू कैन लोकेट योर टारगेट। इतना ही नहीं, हमने एक इंफ्रारेड अटैचमेंट भी डेवलप किया है। इससे आप अपने फोन को भी अटैच कर सकते हो, इंफ्रारेड फोन। इसके रेडिएशन से आप अपने आसपास की किसी भी चीज की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हो अंधेरे में। वैसे काफी इंटेलिजेंट टीम है तुम्हारी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने तुम्हारे इंटेलिजेंस का मिसयूज किया। वी आर रियली सॉरी सर, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई क्रिमिनल हमारे गैजेट्स को ऐसा मिसयूज करेंगे। तुम्हारा ये इंटेलिजेंट प्रोडक्ट कुछ लोग खरीदने वाले थे ना, किस किस को सुनाया था ये आइडिया? सर पिच तो बहुत सारे लोगों को किया था एंड मैनी वर इंटरेस्टेड आल्सो, लेकिन हमने 3 मेजर क्लाइंट्स को शॉर्टलिस्ट किया था जो कि हमारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड थे। परेश कामत, हार्डवेयर टाइकून, ये तो ऑलमोस्ट चेक देने के लिए रेडी था। गिरीश काशी, स्टील इंडस्ट्री डेवलपर, ये डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहता था। एंड लास्ट जॉनसन, अपने टाइम का जाना माना ऐप डेवलपर, 300 करोड़ का पॉसिबल इन्वेस्टमेंट। सर आपके हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर ज्यादातर ऐप इसी की हैं। बट तीनों की एक डिमांड थी सर, इन्वेस्ट करने से पहले उनको वर्किंग मॉडल्स देखने थे। और आपने 5 मॉडल्स रेडी किए थे ना, राइट? सर कंप्लीट फंक्शनल मॉडल्स, इंफ्रारेड फोन्स, थर्मल इमेजिंग बायनोकुलर्स, नाइट विजन वाइजर हेलमेट्स, एवरीथिंग। लेकिन सब कुछ चोरी हो गया और हम लोग पुलिस के पास गए एंड दे डिडंट बिलीव अस, दे थॉट कि हम लोग के बच्चे और हमारे गैजेट्स खो गए। हमने FIR लिखवाया लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कंपनी के चक्कर में फंस गया, इससे अच्छा मैं पर्सनली सब कुछ बेच लेता। अच्छा, आप लोगों के अलावा और इन 3 क्लाइंट्स के अलावा और कोई है जिसे इस इन गैजेट्स के बारे में मालूम? सर ये हमारा ड्रीम स्टार्टअप था, हमारे अलावा इसके बारे में कोई नहीं जानता था, राइट कृतिका? What do you mean? मतलब मैं पैसों के लिए अपने ही प्रोजेक्ट को, एक्सक्यूज मी? इट्स ओके, अभी हम लोग चलते हैं, जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों से दोबारा मिलेंगे। थैंक यू। ये गिरीश काशी है तो एक मिलियनर, लेकिन कई सारे फ्रॉड्स और हेराफेरियों में शामिल रहा है वो। फिर तो हमारे सस्पेक्ट नंबर 1 यही है सर। आर यू श्योर इंस्पेक्टर? गिरीश काशी 3,000 करोड़ का मालिक, 7 करोड़ की रकम के लिए कॉलेज स्टूडेंट का प्रोजेक्ट चुराएगा? व्हाट अ जोक इंस्पेक्टर, व्हाट अ जोक। मैंने आपको सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया था, आपके 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। आई हैव सम अदर इंपॉर्टेंट मीटिंग्स। परेश नाम है मेरा इंस्पेक्टर, मुझसे तो कह दिया, किसी और से मत कहना। 1500 करोड़ का आदमी 7 करोड़ की छोटी रकम के लिए हेरा फेरी करेगा? लोग हंसेंगे आप पर, मुझ पर भरोसा नहीं तो मेरे बॉडीगार्ड से पूछ लो।
आप लोगों के नाम? दक्ष जी, सुमंत। एक टाइम पे आप ऐप किंग थे, लेकिन इस वक्त आपकी सारी कंपनीज डूब रही हैं। तो ये इक्विपमेंट चुरा के आपसे ज्यादा फायदा और किसे हो सकता है? जो चीज खरीद के मैं 2-3 हजार करोड़ बना सकता हूँ, उसे सिर्फ 7 करोड़ के लिए मैं क्यों चुराऊंगा इंस्पेक्टर? सर वैसे बात तो सही कह रहा है, अगर वो इक्विपमेंट सच में इतना एडवांस्ड है जिससे करोड़ों रुपए बन सकते हैं, तो फिर वो जिन्होंने इसे चुराया है वो लोग 7 करोड़ पे क्यों रुके हैं? उसकी लालच इतनी जल्दी मिटने वाली नहीं है, मौके का इंतजार कर रहा है वो। हेलो, क्या? ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते वहां पे। क्या हुआ सर? लगता है इसी मौके का इंतजार कर रहे थे वो, एक और चोरी। चलो। सेम मोटस ऑपरेंडी है सर, धुएं वाला बम, नाइट विजन, चोरी और फिर गायब। इन चोरों की हिम्मत तो देखो, उन्हें मालूम है कि हम लोग उनके पीछे पड़े, फिर भी। लेकिन सर इस बार रकम 12 करोड़ है, वाकई इन चोरों की हिम्मत बढ़ती जा रही है। अगली बार रकम 15 करोड़ होगी। सर हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। सर ये वैन में ही कुछ करें क्या सर? इसी में सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह लगा देते हैं। हाँ सर, ताकि बैंक के पैसे भी बच जाए और गार्ड्स की जान भी। मगर सर ये सब करेंगे कैसे? उन्हीं का तरीका उन्हीं पर इस्तेमाल करेंगे। हेलो, ये वत्सला सिक्योरिटी ऑफिस का नंबर है। मुझे आपके मैनेजर से बात करनी है, सीआईडी। हाँ सीआईडी, मुझे आपके बैंक मैनेजर से बात करनी है। सर टेक्नोलॉजी लगभग वही है जो चोर लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोटोटाइप है। हाँ चोरों के गैजेट इतना एडवांस तो नहीं है, पर एटलीस्ट उनको रोकने में काम आ सकता है। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। अगर जरूरत पड़े तो हम आपको फिर से बुला लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। सर बैंक वालों से और सिक्योरिटी वालों से बात हो चुकी है, वो लोग आ रहे हैं, दे आर रेडी। आने दो, हम भी रेडी हैं इस थर्मल कैमरा के साथ। थर्मल? सर डिजिटल कैमरे के बारे में सुना था, लेकिन ये थर्मल कैमरा क्या चीज है? अरे यार फ्रेडी, ये डिजिटल कैमरा, ये नॉर्मल कैमरा है ना, ये इमेज डेवलप करने के लिए लाइट यूज करता है, और ये थर्मल कैमरा हीट। इस कैमरे के सामने कोई भी चीज या कोई भी इंसान आएगा ना, तो उसका ये टेम्परेचर सेंस करके ना एक कलर्ड इमेज डेवलप कर लेता है, समझे? हाँ नहीं सर। अरे यार ये देखो, ऐसी इमेज होती है। हाँ अब, लेकिन सर ये थर्मल कैमरा हमारी मदद कैसे करेगा? फिर ये थर्मल कैमरा ही हमारी और चोरों के बीच की दूरी मिटाएगा। अब तक जितनी भी चोरियां हुई है, चोरों ने स्मोक यानी धुएं का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह सिक्योरिटी गार्ड उन चोरों को देख नहीं पाए और चोर उन्हें चकमा देकर भाग निकले। लेकिन इस बार हम ये थर्मल कैमरा इस वैन पे लगाएंगे और उसे इस मॉनिटर पे लिंक करेंगे। जैसे वो चोर वैन के पास आएंगे, अटैक करेंगे या धुआं भी करेंगे, तो भी गार्ड को इस मॉनिटर पे उन चोरों की थर्मल इमेज दिखाई देगी और वो आसानी से उन्हें ट्रैक कर सकेंगे। इस थर्मल कैमरा को जरूरत होती है हीट की, टेम्परेचर की, तो जैसे ही चोर वैन की तरफ आएंगे, कैमरा उनकी इमेज को डेवलप कर देगा बस, और फिर इनके गार्ड उन्हें पकड़ लेंगे। दे, आप लोग समझ गए? जी सर। अब अपने गार्ड्स और ड्राइवर्स को बता दीजिए, जैसे ही कोई खतरा महसूस करें वो लोग आपको इन्फॉर्म करें, और आप लोग बिना देरी के हमें। ओके सर। इस बार उन चोरों को उन्हीं की टेक्नोलॉजी से पकड़ेंगे हम लोग। पूरे 12 करोड़ कैश हैं, साथ में सिक्योरिटी के लिए एक और वैन लेना चाहिए था, तुझे तो पता है क्या चल रहा है आजकल। तू डर मत, अपने पास बंदूक है ना। हाँ। और सीआईडी वालों ने थर्मल कैमरा भी लगा रखा है,
अरे ये कैसे हुआ? जगत होशियार है ना, शायद हम पर अटैक होने वाला है। बोलो नहीं, आने दो इन चोरों को, देख लेंगे। हेलो 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 सर, हम पर अटैक हो गया है। हाँ, आर्य रोड पर। हाँ पंकज बोलो। नहीं तुम कंट्रोल रूम में ही रहना। हाँ, और सारी कैश वैंस को मॉनिटर करते रहना, समझे? सारी कैश वैंस को। हाँ ओके ठीक है। हाँ फ्रेडी, गार्ड्स का क्या हुआ? सर सब जिंदा है सर, मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है। सर हम फिर लेट हो गए, हमारे आने से पहले ही चोर निकल गए। सर अंदर एक जगत नाम का पहरेदार है, उसने बोला कि उसने एक चोर के ऊपर दो गोलियां चलाई हैं। फिर भी निकल गए सर। एक काम करो, वो दोनों शेल्स और थर्मल कैमरा का फुटेज फारूकी के पास भेज दो, देखते हैं इस बार नया क्या हाथ लगता है। चोर इतने पास में थे हमारे, फिर भी हाथ से निकल गए। बस हाँ, क्या पता चला सिक्योरिटी गार्ड जगत की गोलियों से? ये वो दो गोलियां हैं जो गार्ड ने चोर पर चलाई थी। यार सारू की ये दो गोलियां हमने लाकर दी तुझे, कुछ नया बताना। अरे यार सर, सर एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर ये दो गोलियां एक ही चोर को लगी थी फिर भी ये दिखने में इतनी अलग क्यों है? वो इसलिए कि एक गोली पर चोर का खून और उसके मसल के टिश्यूज है, और दूसरी पर प्लास्टिक कोटिंग। क्या प्लास्टिक कोटिंग? ये कहां से आया? ये तो समझ में नहीं आ रहा कैसे। इट्स अ क्राइम सीन पे ना प्लास्टिक था ना ही प्लास्टिक से बना कोई चीज, तो फिर ये बुलेट के ऊपर प्लास्टिक कोटिंग कहां से आ गई? पूरे थर्मल कैमरा का फुटेज जरा चलाओ फिर से। फिर से चलाओ। दया। हाँ सर समझ गया। क्या समझे सर?
यही कि एक चोर का हाथ नकली है, नकली। और ये कैसे समझे आप? पूर्वी ये देखो, ये फुटेज थर्मल इमेजिंग में बॉडी के टेम्परेचर से उसका इमेज बनता है, और यहां इस फुटेज में ये चोर के इमेज में उसका हाथ जिस पर गोली लगी है वो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उसका हाथ है ही नहीं, नकली हाथ है वो, प्रोस्थेटिक। चलो एक बात तो पक्की है कि एक चोर का हाथ नकली है और वो बुरी तरह से डैमेज है। दया, पता लगा ऐसे कौन से मेडिकल सेंटर्स हैं जो नकली अंगों में, आर्टिफिशियल लिम्ब्स में डील करते हैं। ये चोर वहां पर जरूर जाएगा अपना नकली हाथ रिपेयर करने के लिए। और एक बात, ये तीनों के तीनों चोर देसी कट्टा इस्तेमाल करते हैं, हैंडमेड गन, फिर भी इनका निशाना बिल्कुल परफेक्ट है। इसका मतलब है जरूर उन्होंने कहीं तो स्पेशल ट्रेनिंग ली है, पता लगाना पड़ेगा कहां पर। सर, हम सिर्फ एलीट पर्सनालिटीज और हाई प्रोफाइल लोगों को ही अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले को हम क्यों हायर करेंगे? और जहां तक चोरी का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी भी एम्प्लॉय को कट्ठा भी चलाना आता होगा। थैंक यू। इन सारे एजेंसीज का यही कहना है कि वो सिर्फ हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को ही सिक्योरिटी देते हैं। ये मलय, इनके तीन हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स हैं, याद है ना? ये मिस्टर परेश, उनके दो गार्ड्स, क्या नाम है उनका? दक्ष, सुमंत। सुमंत और दक्ष। पूरी जरा पता करो ये मिस्टर परेश कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी के क्लाइंट है। कमाल है सर, आजकल नकली हाथ पैर भी हर जगह पे आसानी से मिल जाते हैं। सर, ये पिछले 48 घंटों की रिपोर्ट है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। ओहो, क्या हुआ सर, कुछ मिला क्या? कल ही मिस्टर जतिन ने अपना नकली हाथ यहाँ से रिप्लेस करवाया है। जतिन सर, ये नाम पहले सुना हुआ है। अरे यार, वो स्मोक बम खरीदने वालों के लिस्ट में था ना, उसका नाम जतिन। अरे, इसके इलाज का खर्चा एक सिक्योरिटी एजेंसी उठा रही है। कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी? सेफ सिक्योरिटी एजेंसी, फ्रेडी। सेफ सिक्योरिटी एजेंसी। सर, सर मैंने पता लगा है कि परेश के दोनों बॉडीगार्ड्स सुमंत और दक्ष कोइंसिडेंटली इसी सेफ सिक्योरिटी एजेंसी के एम्प्लॉयज हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है सर, कि ये दोनों आर्म्ड फोर्सेस में शार्प शूटर्स थे। ओह। और दोनों ने कुछ ही महीने पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है। ओह। तो हो ना हो, ये दोनों उस वक्त वहीं पर मौजूद थे जब मलय मिस्टर परेश को अपने आइडिया सुना रहा था। पूर्वी, एक काम करो, जरा पता करो कि दोनों गार्ड्स दक्ष और सुमंत रॉबरी के वक्त इनके मोबाइल फोन के लोकेशंस कहां थे। सर, बाबू जी, तुम किसी सेफ सिक्योरिटी एजेंसी के मैनेजर से मिले हो क्या? हाँ, मैं उसी के ऑफिस के बाहर खड़ा हूं, और मजे की बात यह है कि वही सिक्योरिटी एजेंसी है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। किसकी एजेंसी है ये? अजय। हेलो सर, क्या हुआ सर, आपने मुझे यहाँ अर्जेंटली क्लब में मिलने के लिए बुलाया, वो भी अकेले? एनी प्रॉब्लम सर? अकेला कहाँ हूँ, ये दो बेवकूफ है ना मेरे साथ। बेवकूफ सर,
कुछ गलती हुई इनसे? हाँ, ये अपनी ड्यूटी को लेके सीरियस नहीं है। जब मैं किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाता हूँ तो अचानक 3-4 घंटों के लिए गायब हो जाते हैं। बाद में मुझे किसी ने बताया कि ये कहीं और जाते हैं। सर, किसी और ने? मैं समझा नहीं। क्या हुआ? चारों एक दूसरे को देख के हैरान हो रहे हो? एक दूसरे को जानते नहीं क्या? अजय, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे यहाँ किसी को कट्टा चलाना नहीं आता, लेकिन हमें पता चला है कि ये तो बहुत अच्छे निशानबाज है। हमें सब पता है जतिन, जगत की गोली से तुम्हारा ये नकली हाथ डैमेज हुआ था ना, जो तुमने कल ही रिप्लेस कराया। अब ज्यादा होशियारी की ना तो दूसरा हाथ भी नकली लगवाना पड़ेगा। चल चल। तुम्हारा खेल खत्म अजय। तुमने मलय का नाइट विजन इक्विपमेंट चुराया और अपने इन गार्ड के साथ मिलकर वो सारी चोरियां की हैं। क्राइम सीन पे तुम चारों की मोबाइल लोकेशन मिल गई है। ये चोरियां और खून तुम लोगों ने किए। हाँ सर, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरा ही मास्टर प्लान था सर। ये सर, मुझे बहुत जल्दी बहुत पैसे कमाने थे और इसमें गलती क्या है? और जब दक्ष और सुमंत ने मुझे नाइट विजन गैजेट के बारे में बताया, तब मुझे लगा सर कि यही वो चीज है जो मुझे रातों रात करोड़पति बना सकती है। और बस सर, इसीलिए मैंने सब कुछ किया। सर, मुझसे गलती हो गई सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। लेकिन सर, गार्ड को जान से मारने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हाँ सर, हमारा उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो हमारे काम के बीच में आ रहे थे, इसलिए हमने उन्हें मार दिया। सर, मैं सेफ सिक्योरिटी एजेंसी में काम कर चुका था, लेकिन आजकल बहुत बेकार था। मेरे इस हाथ की वजह से कोई सिक्योरिटी एजेंसी मुझे नौकरी नहीं दे रही थी। तभी अजय का मुझे कॉल आया और इस प्लान के बारे में बताया, और मैंने फौरन हाँ कर दी सर। बॉडीगार्ड्स होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, किसी की सेफ्टी के लिए। अगर तुम्हारा ये हाथ ठीक भी होता ना, तब भी तुम अपने ड्यूटी से बेईमानी करते हैं। चोरी और मर्डर के जुर्म में तुम सबको अरेस्ट किया जाता है। ले जाओ इन्हें। चलो 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 चल।
थैंक यू परेश जी, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। एनी टाइम ऑफिसर। मले से कह देना उसके नाइट विजन प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, नेशनल सर्विस प्रोजेक्ट में उसे यूज करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। आई होप आपका ये प्रोजेक्ट देश को अंधेरे में भी तरक्की के रास्ते पे ले जाएगा। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।